से दक्षिण तक स्याद्वाद का शंखनाद करते हुए अनेक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की। आपने सन 1988 में महावीर जयंती की पावन बेला पर सिद्ध क्षेत्र सोनागिर जी में भगवान चंद्र प्रभु के चरण सानिध्य में आचार्य श्री सुमद सागर जी से मुनि दीक्षा ग्रहण की। आपने शताधिक जैनेश्वरी दीक्षाएं प्रदान की। आप आशु कवि थे। आपके द्वारा सहज सरल स्वार्थवादमयी शैली में रचित गद्य पद्य में विपुल साहित्य की रचना हुई। सोनागिर जी के पंच कल्याणक महामहोत्सव के समापन पर आपने सन 1994 में लाखों जनसमूह के मध्य सिंह रथ का प्रवर्तन कराया। आपने भूतो न भविष्यति वाली कहावत को चरितार्थ किया। सिंह रथ प्रवर्तन के उपरांत आचार्य श्री सोनागिर जी से विहार करते हुए 1997 में अतिशय क्षेत्र बड़ा गांव पहुंचे और यहाँ पार्श प्रभु के दर्शन करते ही देवों द्वारा आभास कराया कि हे सन्मति सागर, जिस भावना को लेकर आप विहार कर रहे हो वो भावना इसी पावन भूमि पर पूर्ण होगी। उसी समय से इस पावन धरा पर त्रिलोक तीर्थ का निर्माण प्रारंभ हुआ। बाबा जी, हम कहाँ जा रहे हैं? बेटा, 10 लक्षण पर्व के उपरांत हम क्षमा वाणी मनाने त्रिलोक तीर्थ बड़ा गांव जा रहे हैं। बाबा जी, क्षमा वाणी
समस्या। जैन धर्म में क्षमा का विशेष महत्व है। क्षमा मांगना और क्षमा करना हमारे स्वभाव को सरल बनाता है। क्षमा भाव से हमारे भीतर की कड़वाहट जब धुल जाती है, तब हम पावन निर्मल मन से एक दूसरे से प्रेम करते हुए एक दूसरे का सम्मान करते हैं। बाबा जी, ये 10 लक्षण धर्म क्या होते हैं? बेटा, जैन धर्म में 10 धर्मों का वर्णन है। ये धर्म हमारी आत्मा के स्वभाव है, जो इस प्रकार है। उत्तम क्षमा यानी गुस्सा, क्रोध, एक दूसरे के प्रति बैर भाव नहीं रखना। उत्तम मार्दव यानी कभी घमंड, मान अभिमान नहीं करना। उत्तम आर्जव यानी भावों विचारों को निर्मल रखना। उत्तम शौच यानी मन के साथ साथ शरीर को पवित्र रखना। उत्तम सत्य यानी कभी झूठ नहीं बोलना, सत्य के मार्ग पर चलना। उत्तम संयम यानी मन व इंद्रियों को वश में रखना। उत्तम तप यानी यथाशक्ति पूजन, भक्ति व उपवास करना। उत्तम त्याग यानी शक्ति अनुसार दान पुण्य करना। उत्तम आकिंचन यानी आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना। उत्तम ब्रह्मचर्य यानी चरित्र पालन करते हुए जीवन व्यतीत करना। बाबा जी, क्या पेड़ पौधों में भी जीव होते हैं? हाँ बेटा, पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। इनको खत्म करने से भी हिंसा का भाव होता है। मन वचन काय से मार देने से ही हिंसा नहीं होती, बल्कि क्रोधित होना, हिंसक भाव रखना भी हिंसा का ही रूप है। बाबा जी, जैन धर्म का मूल सिद्धांत क्या है? बेटा, हम त्रिलोक तीर्थ में पहुंच गए हैं। यहाँ आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज विराजमान है। चलो उन्हीं से चर्चा करते हैं। आचार्य श्री, नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। आचार्य श्री, हमारी कुछ जिज्ञासाएं हैं। आपसे निवेदन है कि आप उनका समाधान करने की कृपा करें। पूछिए। आचार्य श्री, जैन धर्म का मूल सिद्धांत क्या है? स्यादवाद, अनेकांत, जियो और जीने दो, वह अहिंसा परमो धर्म है। यानी अहिंसा ही परम धर्म है, परम उद्धारक है। अहिंसक होना कायर या निर्बल होना नहीं, बल्कि क्षमाशील होना है। किसी को अकारण पीड़ा देना, दुख देना या मारना पाप का कारण है। जैन धर्म हमें अच्छा इंसान बनने की शिक्षा देता है, दूसरों के प्रति प्रेम भाव रखने की प्रेरणा देता है। आचार्य श्री, क्या हम मृत्यु से बच सकते हैं? इस संसार में कोई भी जीव अमर नहीं है। जो आया है सो जाएगा, चाहे वो कितना भी बलशाली राजा हो या फकीर, सब की मृत्यु निश्चित है। यदि सुखी रहना है तो रत्न त्रय का पालन करना ही होगा।